न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और बात करते हैं रीवा की, जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज के दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। मतदान दलों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए 2 सैकड़ा से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। वहीं जब्त किए गए वाहनों को मारतंड विद्यालय ग्राउंड में खड़ा कराया गया है। की गई तैयारियों को लेकर मामले में SDM शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अलग अलग पोलिंग बूथों के लिए बसें रिजर्व की गई हैं, जो कि गंतव्य के लिए रवाना की जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि RTO अधिकारियों के साथ SDM ने की गई कार्रवाई के संबंध में क्या कहा है। क्या व्यवस्था बनाई गई है वाहनों के लिए? स्कूल में सब इकट्ठा करके 3 जगह पार्किंग रवाना करना। कितने वाहन जब्त किए गए हैं, कितने वाहन भेजे जा रहे हैं? 230 वाहन देना था, जिसमें 220 के करीब हो गए। ये वाहन कहाँ कहाँ भेजे जा रहे हैं? गंगेर, पहले नंबर, दूसरे रीवा, तीसरा गोड। नाम बता दीजिए अपना। अरे बसें रवाना हो रही, कहाँ कहाँ, कितनी बसें जाए? देखिए, रीवा के अंतर्गत विधानसभा स्थानीय निर्वाचन के चुनावों में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जनपद पंचायत वार हम लोग बसों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। अभी द्वितीय चक्र का निर्वाचन इस समय प्रगतिरत है। द्वितीय चक्र के निर्वाचन में हमारी 3 मुख्य तौर पर जो शहर से नज़दीकी जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत रीवा, जनपद पंचायत गंगेव, जनपद पंचायत रायपुर कर्तुलियान का निर्वाचन यहाँ होना है। और उसके लिए हमारी पोलिंग पार्टी, कुछ SPO जो कि विशेष पुलिस अधिकारी हैं वो, और इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को लेकर स्थानीय बसों को अधिग्रहण किया गया है SDM साहब और RTO साहब के द्वारा। तो एक पोलिंग केंद्र पर 3 पार्टियां एक बस से अमूमन जाती हैं, छोटी बसों से 3 जाती हैं, बड़ी बसों से 5 पार्टियां भी जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारे कुल 300 मतदान केंद्रों के लगभग संख्या है। तो उसके हिसाब से बसों का अरेंजमेंट है। तो 250-300 करीब बसें, छोटे बड़े वाहन 40-50 वाहन जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और इनके लिए लगाए गए हैं, और पुलिस के जो वाहन हैं वो सुबह SP साहब ने आवंटित कर देंगे। सभी लोग अपने निर्वाचन कार्यों के लिए आज से ही लगातार फील्ड में रहेंगे, और जो लोग आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पोलिंग पार्टियाँ अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपनी तैयारी करेंगी और निर्वाचन को सम्पन्न करेंगी।